मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने दमोह में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। नेहा बग्गा ने कहा कि खतरा सिर्फ एक नौसाद से नहीं है, कांग्रेस के पाले ऐसे कई नौसाद खान गली मोहल्ले में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भराते घूम रहे हैं। प्रदेश की माता बहनों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें कोई निजी दस्तावेज ना दें। दमोह में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के दौरान युवा कांग्रेस नेता नौशाद खान को एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि क्या कांग्रेस ऐसे नारियों का सम्मान करती है? कांग्रेस की नारी सम्मान योजना एक छलावा है। इस योजना की आड़ में महिलाओं से उनके जरूरी दस्तावेज लिए जा रहे हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है। नेहा बग्गा ने कहा कि छेड़खानी के आरोप में पकड़ा गया नौशाद खान वही है जिसके कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नौशाद खान पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, फिर भी कांग्रेस ने उसे प्रशंसा पत्र देकर रखा है। और ऐसी अनेकों तस्वीरें हैं सोशल मीडिया की, उसकी जो फेसबुक की साइट है, यहाँ पर उसके गुरु, मुख्य गुरु जो दिग्विजय सिंह है, जीतू पटवारी है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। और उससे भी खास बात यह है कि इस नौशाद खान को जिस पे पॉस्को एक्ट के लिए धाराएं दर्ज हुई हैं, उसको कांग्रेस पार्टी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देती है। वो भी हमारे सामने है कि किस प्रकार से जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनको कांग्रेस सम्मान करती है और नारियों का अपमान करती है। नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने नारी सम्मान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परंतु कांग्रेस अपने घर में इस तरह के सांप पालने का काम कर रही है जो मौका मिलते ही डसने से बाज नहीं आते। मियां बग्गा ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि नौशाद खान जैसे इन सांपों को सिखाने का काम कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता करते हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। मियां बग्गा ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न कांग्रेस की संस्कृति रही है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने तंदूर कांड को रचा था। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी कांग्रेस के लोग महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता करते हैं। इस प्रकार के जो सपेरे हैं घर में पालने का काम खुद कांग्रेस पार्टी करती है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके गुरु वही हैं दिग्विजय सिंह जो महिला को टंचमाल कहकर संबोधित करते हैं। इस नौशाद खान का गुरु और संरक्षक वही है कमलनाथ जो महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं। इसके संरक्षक वही है जीतू पटवारी जो महिला को पोकली में पैसा लेकर बिकने वाला बताते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के इस प्रकार के कई सपेरे जो हैं पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, ऐसे कई नौशाद आपके गली मोहल्ले में कांग्रेस की तरफ से घूम रहे होंगे। कृपया करके आपके जो निजी दस्तावेज हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने फॉर्म भराने के दौरान इस प्रकार के निजी दस्तावेज, आधार कार्ड, लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब लेने का काम किया है, इनसे सावधान रहें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।